और ये क्रांति ऐसी क्रांति है कि जिसमें आप आने वाले समय में हम रहे ना रहे, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे, वो लोग इस चीज को देखेंगे आने वाले समय में कि हाँ, जो आप सभी ने मिल करके, हमने सबने जो मेहनत की, और जो 21वीं सदी की भीम क्रांति हम कहते हैं, वो ये नहीं है कि हम सिर्फ कागजों में है या फिर बातों में, वो सफल होगी और मनुवाद पूरी तरीके से भस्म हो जाएगा। मनुवाद का लोग मैं ही भूल जाएंगे कि मनुवाद होता क्या था। अब जयपुर में एक मनुवादी की प्रतिमा, वो मनुस्मृति लिखने वाले की जो है ना, जो इनको अपना ये संत बताते हैं, परम पूजनीय बताते हैं मनु, उसकी कोर्ट में प्रतिमा लगी हुई है। हालात बीजेपी की सरकार में देख लो आप, उसकी सुरक्षा बकायदा गनमैन लोग लेकर के करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे में आपके सामने हालात है, बीजेपी की सरकार में मनु की प्रतिमा की सुरक्षा की जा रही है। अरे मनुस्मृति लिखने वाला जो ये बताने वाला, भाई ब्रह्मा के मुंह से ये पैदा हुआ, ब्रह्मा के कंधों से ये पैदा हुआ, वो अपनी रक्षा खुद ही नहीं कर सकता, पुलिस वाले लगे हुए हैं, वो किसके बारे में बताएगा। बीजेपी के लीडर बोलते हैं कि पहले वाईफाई भी था उस समय में, गुजरे जमाने में, भाई वाईफाई भी तो फेंकने की, तो कोई मैं बताऊं पीएचडी किए हुए हैं ये लोग, नरेंद्र मोदी को भी माफ करते हैं, भाई वाईफाई भी था, भाई वाईफाई कहां से आ गया, मुझे तो लगता है जो इनके पीछे चोटियां होती है ना, वही वाईफाई था, यही इनका एंटीना था। और फिर कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी भी थी। अब भाई मैं किसी जाति धर्म का विरोधी तो हूं नहीं, ये बात मैं क्लियर बोल देता हूं, भाई हर धर्म का सम्मान है, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक तार्किक बात तो पूछ ही लेनी बनती है कि कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी भी थी। अब फिर मैंने विचार किया है, दिमाग लगाया, प्लास्टिक सर्जरी थी तो कोई ना कोई तो होगा जिसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। अब हमारे गणेश भगवान जी थे। अब ये चीज धर्म के बारे में ना ले जाए तो ये लोग अपनी बात, अपनी एक्चुअल में क्या है कि अब सबको पता लगने वाला है, सच्चाई ये कि सबको पता लगने वाला है कि पाखंडवाद क्या होता है, अंबेडकरवाद क्या होता है, मनुवाद क्या होता है, सबको पता चल चुका है। यानी कि एक विशेष बिरादरी, सारी बिरादरियों में, सभी में, जो कहते हैं ना कि हर समाज के अंदर पता लग गया है कि पाखंड फैलाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते, तो उसमें उस पाखंड को ये बचाए रखने के लिए, अपने जो इन्होंने जो आडंबर बनाया हुआ ना, उस आडंबर को बचाए रखने के लिए ये तरह तरह की टेक्नोलॉजी हमारे सामने ला रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी आज अंबेडकरवादी युग के अंदर है, जो वैज्ञानिक युग में है, जो एक तार्किक युग में है, वो टेक्नोलॉजी के साथ में जो है ये अपनी पाखंडी जो संस्कृति है ना, उसको जोड़ते जा रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी भी थी, ये भी था, वो भी था, अबे आविष्कार तो हमने किए यार, हैं तुम तो सीधा, मैं तो इनकी बातों के ऊपर आऊं तो बहुत बड़े बड़े गड़े मुर्दे उखड़ जाएंगे, खाम का कल ने फिर दूसरा केस हो जाएगा, इसलिए ठीक नहीं है। तो इस इनके आप अच्छे से जानते हो, बस मैं अपने समाज को एक ही बात कहना चाहता हूं, आप सभी के बीच में आने का मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मौका मिला और आगे भी आते रहेंगे। तो हमारे बुद्धिजीवी साथी जो बात कहते हैं, हमारी जो बाबा साहब की किताबें जो बातें कहती हैं, जो क्रांतिकारी साथी क्रांति कर रहे हैं देश में, काफी सारे साथी लगे हुए हैं, और जो पूरी क्रांति को, भीम क्रांति को आगे लेके जा रहे हैं, साथियों उनका साथ दो, और पूरे तरीके से आने वाले समय में, ये नहीं है कि हम सिर्फ मंच पे बोल दिए, ये नहीं है कि भाई हम लोग सिर्फ अपने घर पे जाके सो गए, कई कई रात तो बिना सोए हुए हो जाती हैं, और आजकल तो वैसे ही बिना सोए ही रातें गुजर रही हैं, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी इलेक्शन भी नजदीक आएगा, और ऐसे में फिर जो है हमारी जो है रातों की नींद भी उड़ी रहेगी। जितना ज्यादा हो सके आने वाले समय में सरकार अपनी बनानी है, ये हमें हर व्यक्ति को समझाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को बताना पड़ेगा।